नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET एडमिशन 2023 को लेकर के एक गुड न्यूज आ रही है, कॉमन काउंसलिंग को लेकर के। क्या कॉमन काउंसलिंग लागू होने की संभावना बन रही है आगे आने वाले वर्षों में? और साथ ही साथ इसके लिए UGC और जो प्लानिंग कमेटी है उसका क्या विचार है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जो भी कॉमन काउंसलिंग की बातचीत चल रही है उस पर एक स्पष्टीकरण वीडियो ये होने वाला है, और क्या प्लानिंग चल रही है वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगे CUET 2023 के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले वर्षों के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको CUET की लगातार सही सूचनाएं, जानकारियां, अपडेट समय पर और सही जानकारियां मिल सके। आपकी स्क्रीन पर मैं इस समय जो ट्वीट दिखा रहा हूँ ये UGC इंडिया का ट्वीट है, यानी ऑफिशियल ट्वीट करके इस प्लानिंग को बताया गया है। और इसमें एक पेपर कटिंग को ऐड किया गया है। इस पेपर कटिंग में क्या लिखा जा रहा है, अगर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है तो आप देख सकते हैं, नहीं विजिबल है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या प्लानिंग की जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगले साल से कॉमन काउंसलिंग CUET स्कोर के मुताबिक लागू करने की तैयारी। पूरी खबर को सुनिए। CUET UG के बाद अब यूनिवर्सिटी एडमिशन में एक और नए प्रयोग की तैयारी चल रही है। 2023 में देश के 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 250 हायर एजुकेशन संस्थानों में ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिला CUET स्कोर से ही हो रहा है। ये अभी UG की ही बात चल रही है। वहीं अगले साल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET स्कोर के आधार पर कॉमन काउंसलिंग का नियम लागू हो सकता है। अगली बार सेंट्रल काउंसलिंग फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नियम लागू हो सकता है। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने NBT से खास बातचीत करते हुए बताया कि अब CUET देश का सबसे पॉपुलर एग्जाम हो चुका है। हायर एजुकेशन में नामांकन को देखें तो करीब 70% छात्र ग्रेजुएशन स्तर पर BA, BCom या BSc कोर्सेज में पढ़ते हैं। जिस तरह NIT, IIT के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है, उसी के आधार पर अब CUET के भी कॉमन काउंसलिंग की तैयारी हो सकती है या नहीं, इस पर विचार चल रहा है। कुमार के मुताबिक 33 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह प्रयोग शुरू किया जा सकता है, यानी 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह प्रयोग शुरू किया जाएगा ताकि CUET रिजल्ट आने के बाद छात्रों को दाखिले के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज का आवेदन न करना पड़े। आपको पता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आवेदन करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो काम बढ़ जा रहा है स्टूडेंट्स का कि अगर 20 विश्वविद्यालय उनको काउंसलिंग कराना है तो 20 जगह वो काउंसलिंग करवाएं। साथ ही साथ फीस का दबाव बन जा रहा है कि हर यूनिवर्सिटी लगभग 1000-1000 रुपए से आसपास फीस ले रही है, तो अगर 20 जगह आदमी करवाएगा तो आप सोच लीजिए कि 20000 तो उसके काउंसलिंग की फीस लग जाएगी। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे संस्थान अपने अपने स्तर पर ही काउंसलिंग करेंगे, इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर भी बनाना होगा, यानी इसकी प्लानिंग करनी होगी क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर वेबसाइट और प्रॉपर सॉफ्टवेयर की तैयारी करनी होगी। CUET के 2 साल के डाटा के आधार पर टेस्ट रन भी करेंगे, यानी जो CUET पिछले 2 साल में हुआ है उसका टेस्ट रन करेंगे कि हाँ कॉमन काउंसलिंग पॉसिबल है तो कैसे, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है CUET में अगर JEE और NEET की तुलना में बात करेंगे तो। और जब पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो ही कॉमन काउंसलिंग लॉन्च करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि अगर जब पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तभी करेंगे, यानी आपका जो कॉमन काउंसलिंग है वो अगले वर्ष लागू हो सकता है, लेकिन अभी गारंटी नहीं है क्योंकि इसको टेस्ट करेंगे। बहुत जल्दबाजी में ना करें, मैं भी चाहूंगा, क्योंकि NTA वगैरह जैसे एग्जाम जल्दबाजी में करा रहे हैं वैसे काउंसलिंग जल्दबाजी में कराएंगे तो काफी समस्याएं, बच्चे अभी पैसे से समस्याएं झेल रहे हैं तो आगे और भी समस्याएं झेल जाएंगे। इसलिए प्रॉपर फुल प्रूफ प्लानिंग इन लोगों को कर लेनी चाहिए, तभी लागू करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि JEE मेन्स एडवांस को मिलाए जाने की संभावना, CUET में JEE को भी मिलाए जाने की अगले वर्ष से संभावना बन रही है 2024 से, क्योंकि 2022 में भी ये बात कही गई थी। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जो भी होगा आप सभी को अपडेट किया जाएगा। फिलहाल कॉमन काउंसलिंग अभी 2023 के लिए लागू नहीं हो रही है, इसकी प्लानिंग 2023 में शुरू हो गई है, 2023-2024 में इसकी प्रबल संभावना बन रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है, CUET की जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लगातार यहाँ पर CUET की अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।